3.5 वर्षों से बंद रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत लागू करो, रेल के किराया में वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व से मिलते आ रहे रियायत को फिर से चालू करो, खिलाड़ियों पत्रकारों छात्रों को रियायत देना शुरू करो, संसदीय बिहार कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने 3.5 वर्षों से बंद भारतीय रेल किराया में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले रियायत को संसदीय समिति की सिफारिश के बाद अविलंब शुरू करने की मांग किया है। देश के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे द्वारा पैसेंजर मेल एक्सप्रेस राजधानी शताब्दी दुरंतो ट्रेनों के सभी वर्गों के किरायों में वर्षों से मिलते आ रही रियायत को कोरोना महामारी के चलते 2020 में मोदी सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, जिससे गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बुजुर्गों को विगत 3.5 वर्षों से कहीं आने जाने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से पहले रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायत को फिर से शुरू करने और इस विशेष संसदीय सत्र में रियायत की घोषणा करने की मांग किया है। नेताओं ने कहा कि भारतीय रेल जिस देश के गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का लाइफलाइन कहा जाता है, उसे कोरोना महामारी के समय से आपदा को अवसर बनाते हुए रेलवे में मिलने वाले सभी रियायत को बंद कर विगत 3.5 वर्षों में हजारों करोड़ रुपया कमाने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूर्व मध्य रेलवे के महत्वपूर्ण स्टेशन गया जंक्शन पर यहाँ के आम आवाम के साथ ये केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि 20 मार्च सन 2020 कोरोना काल के वक्त से अगर हम जोड़ते हैं 20 मार्च 2020 से आज सितंबर 24 है, 3.5 वर्षों से जो देश के वरिष्ठ नागरिकों को रियायत मिलती थी रेल के किराया में, चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो, मेल हो, सब जगहों पर 40% उनको रियायत मिलती थी, उसे आपदा में अवसर बना करके मोदी सरकार कोरोना के वक्त से बंद कर दिया है। हम चाहते हैं कि संसदीय समिति ने रिपोर्ट फिर पेश किया है संसद में कि जो मिल रहा था वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा वो फिर से बहाल किया जाए, इसलिए सरकार अविलंब इस विशेष सत्र में ही वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सुविधा को अविलंब चालू करे और साथ ही साथ कोरोना काल के वक्त से पैसेंजर ट्रेन के नाम के आगे स्पेशल जोड़ करके दुगना भाड़ा जो लिया जा रहा है उसे अब तो बंद करे सरकार। कोरोना का तो वसूल हो ही गया, हम लोग RTI से डाल करके देखे हैं, 1 साल में 15,000 करोड़ रुपया रेलवे कमाया है, इसलिए स्पेशल के नाम पर आम जनता को लूटना बंद करें। उदाहरण के तौर पर गया से पटना के लिए केवल एक ही ट्रेन 8:30 बजे वाली ऐसी है जिसमें 25 रुपया भाड़ा लगता है और सारे पैसेंजर ट्रेन में एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर 50 रुपया भाड़ा लगता है केवल स्पेशल जोड़ करके, इसलिए ये लूटने का काम रेलवे बंद करे। स्पेशल के नाम पर जो पैसेंजर ट्रेन का एक्सप्रेस का भाड़ा लिया जा रहा है उसे भी अविलंब बंद करे, इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से ये मांग करते हैं। जय हिंद, जय जनता।